आज कोई एक बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है कि बच्चा जिम करते वक्त उसकी डेथ हो गई है। इससे पहले भी इसके ऊपर मैं इंटरव्यू दिया था, बात किया था, तो मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिम जब करते हैं तो इंस्ट्रक्टर का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्टर को आप कार्डियो एक्सरसाइज करो या वेट ट्रेनिंग कीजिए आप, लेकिन इंस्ट्रक्टर के अगर बगैर आप एक्सरसाइज करेंगे या कुछ इंस्ट्रक्टर के बगैर बोले कुछ खा लेंगे या प्री वर्कआउट्स लेंगे या जो भी है, इंस्ट्रक्टर के बगैर बोले के लेने से कई चीज़ें पैदा होती है। तो मैं तमाम उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो अभी अभी जो वीडियो वायरल हो रही है उसके ऊपर कई लोगों के कॉल आ रहे हैं और ज़्यादा वो वीडियो वायरल हो रही है कि भाई जिम करने से ऐसा डेथ हो गई बोल के। तो मैं कहना चाहूँगा जिम करने से दो चीज़ें होती है, अगर कोई खाली पेट अगर जिम करता है 3-4 घंटे खाली पेट रह के, बाज जो वर्कआउट करते हैं वो वर्कआउट अगर आप जिम खाली पेट रह के अगर करेंगे तो आपके कैलोरीज ज़्यादा अगर बर्न हो गए तो आपका बीपी लो हो जाता, और आपका बीपी लो हो गया, आपका वर्कआउट ज़्यादा हो गया, अगर आपका हार्ट उस वक्त अगर काम नहीं किया तो बीपी का जो रेट है लो होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता। और दूसरा, कई लोग कार्डियो के अंदर जो एक्सरसाइज होती है ट्रेडमिल के ऊपर, जल्द से जल्द अपना वेट कम करने के लिए 3 से 4 घंटे 3.5 घंटे वर्कआउट करते हैं, और कार्डियो की जो स्पीड है ट्रेडमिल की जो स्पीड है 4.5 3.9 की स्पीड पे भागते हैं। अब जब वेट कम करना होता है तो एकदम स्पीड से कार्डियो करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कार्डियो के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए कि आप कार्डियो एक्सरसाइज करते वक्त, ट्रेडमिल करते वक्त आप कितना, आपका ट्रेनर से पूछिए कि कितना, कितनी स्पीड से करना है और कितने कैलोरीज बर्न करना है। ये नॉलेज अगर नहीं रही, बगैर नॉलेज के अगर आप बगैर इंस्ट्रक्टर के कर लिए, मैं इसके पहले भी कई मर्तबा बोला कि विदाउट इंस्ट्रक्टर एक्सरसाइज हार्मफुल है। जो बोले वो जिम डाल ले रहे, जो जिम की नॉलेज नहीं है उन्होंने जिम अगर स्टार्ट कर दे के बच्चों को बता रहे, नहीं सिर्फ बच्चों से फीस ले ले रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जहाँ पर इंस्ट्रक्टर नहीं है, जहाँ पर प्रोफेशनल लोग नहीं है, मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि ऐसे जगह पे जिम का परमिशन देना सही नहीं है, प्रोफेशनल के अंडर में जिम चलना चाहिए। ऐसे कई केसेस लास्ट टाइम भी हुए, बालनगर में एक बच्चा जो 3.5 घंटे वर्कआउट कर रहा था, सुबह सुबह 10:30-11 बजे आया बगैर ब्रेकफास्ट किए के, बगैर कुछ लिए क्या के वर्कआउट करने की वजह से वो वहाँ पर कोलैप्स हो गया था। तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगा इंस्ट्रक्टर के अंडर में कीजिए, इंस्ट्रक्टर जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, वेट ट्रेनिंग आप करिए या आप कार्डियो एक्सरसाइज करिए या आप एरोबिक्स करिए या आप फ्लोर एक्सरसाइज करिए, विदाउट कोच विदाउट इंस्ट्रक्टर प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखिए। और सप्लीमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो बोले वो सप्लीमेंट हर कोई ले ले रहा, मैं उन माँ बाप से कहना चाहूँगा कि बच्चा आपका घर में क्या खा रहा, प्री वर्कआउट क्या ले रहा, एक्सरसाइज के बाद क्या मेडिसिन ले रहा, क्या सप्लीमेंट ले रहा। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को देखिए, वरना 35 ईयर्स 33 ईयर्स 34 ईयर्स में अगर कोई बच्चा कोलैप्स होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनके माँ बाप को होती है। मैं कहना चाहूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखें, और वो बच्चों से मैं कहना चाहूँगा बगैर इंस्ट्रक्टर के बगैर ट्रेनर के कोई भी सप्लीमेंट प्लीज़ प्लीज़ मत लीजिए। ऑनलाइन के ऊपर आप इंटरनेट पे देख के जो सप्लीमेंट रॉनी कोलमैन लेता है, जो सप्लीमेंट फिलिथ लेता है, जो जे कटलर लेता है, ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देख के उनका सप्लीमेंट उनका पूरा स्टीरॉयड मेंटेन करते हुए बच्चे बहुत बड़े नुकसान हो रहा है। मैं तमाम उन बच्चों से नौजवानों से कहना चाहूँगा आप ऑनलाइन मत जाइए, आप ऑनलाइन जाके मत सप्लीमेंट लीजिए या जो भी लेना चाह रहे हैं आप इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में लीजिए, और प्लीज़ अवॉइड स्टेरॉइड्स, प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को बचाइए। स्टेरॉइड एक ऐसी भयानक चीज़ है जिससे दिल आपका काम नहीं करता, दिल के ऊपर नुकसान होता है, दिल काम नहीं करता, किडनीज के ऊपर नुकसान होता है, आपके लीवर को आप प्रॉब्लम करता है, आपको इम्पोटेंसी होती है। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ अवॉइड स्टेरॉइड्स, नेचुरल डाइट नेचुरल सप्लीमेंट लीजिए, लेते हुए अपनी बॉडी का और अपना ख्याल कीजिए,
और जिम करने से कोई मरता नहीं है, ये अगर कोई किसी की डेथ हो रही तो आप परेशान मत होइए, उसका उसके बारे में मालूम कीजिए कि क्यों उसकी डेथ हुई। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा और मैं तमाम उन लोगों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या करते हैं, एहतियात से करिए और इंस्ट्रक्टर के अंडर में करिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।